हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका वर्सटाइल सांच हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू कड़ी। हम इसमें कोई पकौड़े नहीं डालेंगे, कम से कम तेल यूज़ करेंगे और इसे जितना हो सके हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। कड़ी बनाना शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। कड़ी बनाने के लिए लेंगे हम 2 कटे हुए प्याज, आप सफ़ेद प्याज भी ले सकते हैं, छोटी बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन जिसे कि हम क्रश कर लेंगे और मिर्ची, हरी मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ मैं 1/2 किलो दही ले रही हूँ, ये प्लेन फैट फ्री दही है और इसमें 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा कैन चॉप्ड टोमेटोज यानी कि कटे हुए टमाटर ले रही हूँ। आप ताज़े फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं जिससे कि आपको 2 से 3 टमाटर लगेंगे। 3 मीडियम साइज आलू जिसे मैंने छील के अच्छे से साफ करके काट लिया है। यहाँ मैं लूंगी कम से कम 4 से 5 चम्मच बेसन, एक बड़े मिक्सी बाउल में दही आप डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल लें और इसे अच्छे से फेंट लें। अब मैं इसमें 150 ग्राम बेसन डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छी तरह विस्क करें ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहें। अब आप इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल के मिक्स करें और इसे 1/2 घंटे तक साइड पर रख दें। अब दूसरी तरफ एक बड़े पैन में 2 करछी तेल ले लें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आप कटी हुई अदरक डाल लें और थोड़ी देर तेल पे भून लें। मुझे अदरक थोड़ी कम लग रही थी इसलिए 1 इंच अदरक और मैंने कटी हुई डाल दी। 2 मिनट अदरक को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लहसुन। जैसे कि आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इस मिक्सचर को तब तक पकाएं जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैं 1/2 कैन टमाटर चॉप टमाटोज यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो 2 बड़े टमाटोज ले सकते हैं। साथ ही इसमें ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च डाल लें, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और इसमें इसे तब तक पकाएं जब तक टमाटो सूख ना जाए। अभी देखिए ऑयल साइड से निकल आया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्यूरी करेंगे। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। आप अगर इसे ठंडा होने दे तो आप नॉर्मल मिक्सी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। इस तड़के को मैंने ज्यादा मिक्सी या प्यूरी नहीं किया। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, 1 से 2 छोटे चम्मच गरम मसाला, किचन किंग मसाला 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 से 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार।
अब इस मसालों को अच्छे से भून ले और इसमें एक कप पानी डाल ले। अब इसमें बेसन का मिक्सचर डाल ले और पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक पानी डलेगा। एक बात का ध्यान रखें, पानी इसमें ठंडा ही डालें वरना इसमें गुठलियां बन जाएंगी, और इसे अच्छे से हिलाते रहें ताकि जो बेसन है वो नीचे कढ़ाई पे ना लगे। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें उबाला ना आए। जब उबाला आ गया तो ये नीचे नहीं लगेगा। उसे धीमी आंच पर 40 से 50 मिनट तक अच्छे से पकाएं। कुछ मिनटों के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो बेसन है वो गाढ़ा होने लगा है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहें और इसे बॉईल होने दें। जब ये थोड़ा थिक लगने लगे तो थोड़ा और पानी डाल लें और इसे मिक्स करते रहें। अब आप इसमें पोटैटोस डालें और इसे धीमी आंच पर 40 से 50 मिनट तक बॉईल होने दें। ये बॉईल होना शुरू हो गया है, इसे धीमी आंच पर डाल दें और इसे अच्छे से बॉईल होने दें, यानी कि ग्राम फ्लावर बेसन को अच्छे से पकने दें। थर्टी मिनट बॉईल होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। मुझे ये थोड़ी थिक लग रही है और इसे मुझे 10 से 15 मिनट और बॉईल करना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी। इस स्टेज पे अगर आपको पानी डालने की जरूरत है तो ध्यान रखिए आप गर्म पानी डालें, ठंडा ना डालें। 15 मिनट बॉईल होने के बाद ये अब रेडी है और अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आप डाइट पे हैं, वेट कॉन्शियस हैं, तो ये आलू कड़ी बहुत ही कम कैलोरीज में आएगी। और अगर आप इसके साथ राइस नहीं लेना चाहते, आप कॉलीफ्लावर राइस भी साथ में ले सकते हैं। अगर आपको कॉलीफ्लावर राइस की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नॉर्मली फूड रेसिपीज, होम रेमेडीज और DIY ब्यूटी वीडियो शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।